और डाइट की जो आप बात कर रहे हैं वो अपने रूम में क्या खाते हैं किसी को पता नहीं चलता है। मस्त लड़का है, बहुत मस्त लड़का है। अगर आप कभी भी हंसी मजाक करने का दिल करे आपका तो रसल इज द मैन कि आप उनके पास जाके बैठ जाइए और उनसे पूरी गपशप मार सकते हैं। सर आपने बात करी प्लेयर्स की, आपने बात करी आंद्रे रसल की, आपने आंद्रे रसल के साथ खेला है सर, कैसे हैं सर आंद्रे रसल? और मतलब उनके बारे में ये बताइए कि जो आंद्रे रसल की बेस्ट बात है ना, हम बोलते हैं कि रसल मसल डाइट ऐसी लेते हैं, वो कुछ सब कुछ बताइए आंद्रे रसल के बारे में, क्या करते हैं वो, कैसे ताकत आती है इतनी, और हाउ इज एज अ ह्यूमन बीइंग क्या बात होती है उनसे? देखिए अगर आप रसल की बात करते हैं ताकत की, तो एक नेचुरल भी है वेस्ट इंडियन प्लेयर्स को आप देखते हैं तो जो बड़े शॉट्स की मारने की एबिलिटी है वो थोड़ा सा नेचुरल भी आती है उनके पास। बट अगर ऑनेस्टली पूछेंगे रसल एक मैच विनर है आपके लिए, और पिछले कुछ सालों से जो अगर KKR इतनी अच्छी क्रिकेट नहीं भी खेल पाई, बहुत बड़ा रीज़न रसल भी है कि रसल वैसी फॉर्म में नहीं देखे जितना मुझे लगता है कि वो कर सकते हैं। और मैं होपफुल हूँ कि इस सीज़न में आप उनको है ना रसल का बेस्ट देखने वाले हैं, क्योंकि बहुत सालों के वो भी रियलाइज़ कर रहे होंगे कि एक वो मैच विनर हैं, इसी वजह से वो इतना भरोसा उनके ऊपर जताया गया है और एक अच्छी फॉर्म में भी आ रहे हैं, जहाँ जिस लीग में भी आप उनको खेलते हुए देख रहे हैं अच्छा परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं। लेकिन इज़ ए स्पेशल टैलेंट, क्योंकि आप ये देखिए कि कितने ऑलराउंडर्स ऐसे हैं जो जाके नीचे जाके 15-20 बॉलों में आपको 250 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर सकते हैं, आपको बॉलिंग पूरी करके दिखा सकते हैं, फील्डर अच्छे हैं, तो एक कंप्लीट ऑलराउंडर है। तो मुझे लगता है कि उनकी अच्छी फॉर्म में होना KKR के लिए बहुत जरूरी है। लाइफस्टाइल के बारे में कुछ बताइए सर रसल की, हाउ इज लाइफस्टाइल, क्या डाइट होती है, मतलब कितना खा लेते हैं वो, कैसी इतनी ताकत आती है, कैसे हैं बात बात करने में, हाउ इज एज अ ह्यूमन बीइंग? बहुत मस्त लड़का है, बहुत मस्त लड़का है। अगर आप कभी भी हंसी मजाक करने का दिल करे आपका तो रसल इज द मैन कि आप उनके पास जाके बैठ जाइए और उनसे पूरी गपशप मार सकते हैं। फैंटास्टिक पर्सन अगर आप देखते हैं, और टीम मैन, अगर आप जब 2014 में हम चैंपियन बने थे उस टीम का हिस्सा थे वो, और IPL में ना जब शुरू के कुछ मैचेस जब वो खेले थे तो इतना अच्छा स्टार्ट नहीं मिला था उनको KKR के लिए, बट गौतम ने उनसे काफ़ी बात करी थी और गौतम का उनके ऊपर बहुत भरोसा था और उन्होंने प्रूव भी करके दिखाया कि वो भरोसा क्यों था, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस करी अगले 2-3 सालों में KKR के लिए वो जस्ट आउटस्टैंडिंग थी। और डाइट की जो आप बात कर रहे हैं वो अपने रूम में क्या खाते किसी को पता नहीं चलता है, बट ऑब्वियसली इज़ अ ग्रेट टीम मैन।